Yes, class 6, very good morning to all of you students. Today we are going to discuss actually chapter number 7 from civics. And as you all know that the chapter name is urban administration. Yes, in last class we were already, in previous classes, few classes, we were already discussed about the rural administrations. And in on the, that chapter, we know about lots of things that is totally connected to the administration, how administration run, how administration work, and how administration run and work on the basis of rural place and rural location, like that. इस तरह से हम लोगों ने सब चीजों को जाना था कि rural administration क्या होता है, basically जाना था. And yes, we also know about that the how rural administration, whatever administration is rural either or urban, but how administration work and how many things, which kind of things are included in the administration. So in last class, as you all know that we were discussed about lots of things like area of the police station. As you all remember that हम लोगों ने police station का area क्या होता है, जो work of police है ये क्या, इन सब चीजों पे हम लोगों ने discuss किया था previous chapter में, right? उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड रिकॉर्ड इस तरह के. फिर हमने पटवारी के बारे में जाना था, ठीक है, जो मेजरिंग करता है लैंड्स वगैरह, ये सब इन सब चीजों. फिर से मैप के बारे में पढ़ा था, कैसे लैंड को मेजर किया जाता है, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है. और सारे उसके जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था. फिर लास्ट में हमने न्यू लॉ करके पढ़ा था कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. एंड इन दिस चैप्टर देयर आर ओनली टू टॉपिक्स देयर आर टोटल इंपॉर्टेंट, दैट इज द वार्ड काउंसलर. यस, इन दिस चैप्टर वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वार्ड काउंसलर. व्हाट इज वार्ड काउंसलर एक्चुअली, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यस, हु इज वार्ड काउंसलर एंड हु इज बिलोंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यस, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. आप लोग जानेंगे कि वार्ड काउंसलर कौन होता है, उसका वर्क क्या होता है, वर्किंग एरियाज क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, वार्ड काउंसलर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कम्युनिटी प्रोटेस्ट. हाउ अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच काइंड ऑफ थिंग्स, और वी कैन से दैट हाउ इट इज प्रोटेस्ट एंड व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एजेंडाज दैट ऑलवेज अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट लाइक दैट. इस तरह की बात चीजों पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सिविक्स. एंड द चैप्टर नेम इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. यस, जैसे हम रूरल पढ़ा था, हम अर्बन यानी कि शहरी कह सकते हैं, शहरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. और यहाँ सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा स्टोरी दिया जो कि हम लोग पढ़ेंगे. संडे का दिन था, मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर दूँ. संडे का दिन था, वहाँ कुछ बच्चे स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहे थे. और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, शंकर जो है वो बॉलिंग, शंकर ने बहुत अच्छा बॉल डाला था, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी उसने, ठीक है. और उस जो बहुत मुश्किल से उसने 6 बॉल जो है बहुत अच्छे से डाला था, लेकिन जो रेहाना था, वो रेहाना जो थी वो आउट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से शंकर फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं इतने अच्छे बॉल डालने के बाद भी कहीं ना कहीं रेहाना को आउट नहीं कर पाया. और इस तरह से बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे. खेलते खेलते क्या हुआ कि अचानक से रेहाना ने एक बहुत ही अच्छी शॉट लगाई, कह सकते हैं He bowled a short ball and hope उसने शंकर एक शॉर्ट बॉल डाला इस उम्मीद में कि जो रिहाना है एक शॉट मारेगी और कहीं ना कहीं कैच आउट हो जाएगी. लेकिन जैसे ही वो शॉट लगाती है, वो बॉल जाकर सीधे स्ट्रीट लाइट के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर स्ट्रीट में लाइटें लगी होती है, वो स्ट्रीट लाइट पे जाकर वो बॉल लग जाती है, टकरा जाती है, राइट. और इससे बच्चे टोटल स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं. फिर आगे की कहानी में बताता हूँ. ओ नो, लुक व्हाट आवर डन, शंकर सेड. यस, वी फॉरगेट टू मेक द रूल ऑफ इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. और वहां पे वो जो कुछ बच्चे बोलते कि आप रूल, गेम का रूल शायद भूल गए हो, अगर तुमने स्ट्रीट लाइट को तोड़ा या फिर उसमें बॉल अगर जाकर लगता है तो कहीं ना कहीं आप आउट हो जाओगे. लेकिन बट माला जहांगीर एंड रिहाना वी आर मोर वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट. बाकी बच्चे थे वो स्ट्रीट लाइट के टूट जाने पे थोड़ा और ज्यादा वर्ल्ड हो गए थे, बिकॉज उनको पता था कि शंकर तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोच रहा है कि जैसे कि मैंने बहुत अच्छी बॉल डाली और तुम फाइनली स्ट्रीट लाइट आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कुछ है जिसके ऊपर हमें चिंता करने की जरूरत है. और ये बेसिकली इस बारे में सोच रहे थे माला, जहांगीर एंड रेशमा. कैसे? लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन अ निर्मला मॉसिस
window and had spent their pocket money to have it replaced. Yes, last week जब हम लोग खेल रहे थे तो निर्मला मौसी जो थी उनके विंडो का कांच हम लोगों ने शीशा तोड़ा था और हमें याद है हम सब ने अपने पॉकेट मनी से पैसे कंट्रीब्यूट करके उस कांच के पैसे को बेयर किया था, हम लोगों ने उसे रिप्लेस करवाया था. और दे हैव डिश्ड आउट मनी अगेन फ्रॉम दिस पॉकेट. क्या आपको लगता है कि फिर से इस जो हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ी है इसके लिए हमें पैसे देने चाहिए, पैसे लगने वाले हैं? बट हु दे पे फॉर टू. यस, लेकिन इसके लिए कौन पे करने वाला है? जिसे स्ट्रीट लाइट तो हमने लगवाई नहीं है, वो तो माला मौसी का जो विंडो था वो टूट गया था तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन आज जो है कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किसको पैसे देंगे हम लोग? उस दिन तो माला आंटी का पर्सनल प्रॉपर्टी था तो हम लोगों ने उनको पैसे पे किए थे, लेकिन आज तो ये स्ट्रीट लाइट जहाँ तक हमने जानते हैं गवर्नमेंट अक्सर इसको लगवाती है, इसको टूटने पर हम लोग पैसा किसको? बट Who would they pay to wish? Yes, and to whom did the light or the street belong? Who changed them? और बच्चों के मन में एक और सवाल था कि बल्ब तो मैं हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट को तो तोड़ दिया है, बट अगर हम पॉकेट से पैसे कंट्रीब्यूट भी करते हैं तो क्या ये पैसे जो है कंट्रीब्यूशन के किसको जाएंगे, कौन इसका चार्ज लेगा और कौन इसे रिप्लेस करेगा? ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं बच्चे के मन में चल रही थी स्ट्रीट लाइट को लेकर. रिहानाज हाउस वॉज क्लोजेस्ट एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर वॉट डिड हैपन. रिहाना का घर जो बहुत ही पास में था वो लोग दौड़ते हुए गई और अपनी मम्मी को बताया कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसे कैसे किसने बॉल डाला, शंकर ने कैसे बॉल डाला, कैसे स्ट्रीट लाइट पर, इन सारी बातों को बच्चों ने बताया. रेशमा मदर सेड आई डोंट रियली नो दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो दैट आई वाज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक केयर ऑफ द रिप्लेसिंग लाइट. यस, वो कह रहे कि हाँ मुझे तो ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, तुम लोगों ने स्ट्रीट लाइट फोड़ा है तो ये पैसे किसको जाएंगे, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास पैसे देने आपको, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, बट इतना मैं जरूर जानती हूँ कि हाँ अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं इसको रिप्लेस करने के, मेनटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होती है. बेसिकली कह रही है आई डोंट नो that it is the municipal corporation of the city that is take care of replacing the light. Municipal corporation होती है city में जो सारे लाइटें बल्बें बदलने का जिम्मा लेती है. Yes, the best person to ask would be Yashmin खाला. और आपको best person होगी Yashmin खाला, एक है उनसे पूछोगे आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी. क्यों? She just retired from the municipal corporation. Exactly, Yashmin खाला जो अभी अभी municipal corporation department से वो retired हुए थे, इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि अगर street light बच्चों ने cricket खेलते हुए तोड़ दिया है तो क्या उसके लिए पैसे contribute करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, ये पैसे किसको जाएंगे, सारी बातों का जवाब सिर्फ जो Yashmin खाला है वो दे सकती हैं. Go to her and go and ask her and Yashmin come back to home soon. ठीक है, तो वो कह रही उनसे जाओ पूछो और फिर उसके बाद से कहा. Yashmin खाला लिव्ड इन द सेम लेन शी एंड रिहाना'स मदर वेयर गुड फ्रेंड. और Yashmin खाला जो उसी लेन में रहती हैं वो और रिहाना की मदर जो है बहुत ही अच्छी फ्रेंड है आपस में. द चिल्ड्रन रैन एंड खाला हाउस एंड व्हेन शी स्टॉप्ड सी ओपन द डोर दे बिगिन टू टेल हर व्हाट हैपेंड एंड ऑल ओवर वंस दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट. Yashmin खाला लाफ एंड सेड देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू. अच्छा, जब वो बच्चे दौड़ के Yashmin खाला के पास जाते हैं और सारी स्टोरी सुनाते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पे क्रिकेट खेलने के दरमियान जो स्ट्रीट लाइट है हम लोगों से टूट गया, तो क्या हमें पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और कितने करने पड़ेंगे, करना भी पड़ा तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? ये सारी बातों को सुनने के बाद Yashmin खाला हंस पड़ती है और हंसते हुए बोलती है कि आप में से कोई किसी को भी किसी भी प्रकार के पैसे को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है और आप लोग लाइट को चेंज करने के लिए इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. ठीक है, और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है इसके लिए. क्यों? There is a big organization called the Municipal Corporation. Yes, that take care of street light, garbages, collection, garbages collections, water supply, keeping of street and make market clean. Yes, एक हमारे शहर में कह सकते सिटी में टाउन में एक प्रकार की एक कॉरपोरेशन है वो काम करती है जिसे हम
बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहर के हर तरह से देख रख रखाव करना, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन से हो या फिर स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने से हो या फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, ओके, या फिर कह सकते हैं कीपिंग द स्ट्रीट लाइट एंड मेक क्लीन और शहर के सिटी का जो साफ सफाई से लेकर सारी चीजों का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है, ठीक है। ये सबसे पहले इसके उत्तरदायित्व होते हैं। उन्होंने किसने, यास्मीन खाला ने ये सारी बातें बताई। तो I have heard about the municipal corporation. They have put a sign around the city inform people about the malaria. Said Mala. और हाँ, उसमें से माला कहती है कि हाँ मैंने municipal corporation के बारे में सुना है, उन लोगों ने जगह जगह पर sign लगाया है malaria के बारे में, उन लोगों ने aware किया है इस चीजों को लेके। Yes, you are quite right. The municipal corporation, it is also responsible for ensuring the diseases. Yes, do not break out in the city. और उसके बाद से यास्मीन खाला कहती है, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये एक और चीज बता दूं कि जो बेसिकली जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनका ये भी दायित्व होता है कि अपने शहर को बीमारी मुक्त रखें, साफ सफाई रखने के साथ साथ बीमारी मुक्त भी रखें और किसी तरह का भी डिजीज हमारे शहर को प्रभावित ना कर सके। इसका भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को होता है। सोचो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कितनी सारी चीजें करती है, हमारे फेवर में कितने बड़े बड़े काम करते हैं, लाइक गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई कह सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट, मेंटेनेंस ऑफ लाइट ऑल्सो, ये सारी जो हमारी बेसिक नीड्स है कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका ख्याल रखती है। यस, इट ऑल्सो रन स्कूल हॉस्पिटल्स, इतना ही नहीं आगे भी है, इट ऑल्सो रन स्कूल हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। यस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी ये सारी चीजें भी आती है, वो स्कूल भी रन कराते हैं यानी कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं वो लोग, हॉस्पिटल्स भी रन कराते हैं, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं, उसके नीड्स क्या है इन सब चीजों को, उसके मेंटेनेंस, उसके क्लीनिंग, इन सारी चीजों का ध्यान कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड डिस्पेंसरीज, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस एंड मेक गार्डन एंड मेंटेन देम, और कहीं ना कहीं गार्डन भी बनाना मेंटेन, इतनी सारी चीजें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के अंतर्गत आती हैं, राइट। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इंश्योर करना उनका ही काम होता है। यस, आगे कहता है एंड मेक गार्डन मेंटेन क्लीन, सेड यास्मीन खाला ने सारी बातें बताई कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिर्फ इतना ही नहीं कि सिटी में गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लाइक जैसे कि बताया स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी को भी रन कराने का कहीं ना कहीं जिम्मा होता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। और गार्डन्स भी बनवाते हैं कहीं कहीं सिटीज में, राइट, और उसका देख रेख रख रखाव जो है वो भी कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे आता है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये सारी बातें जब यास्मीन खाला ने बताई, देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी, बिग सिटी एंड सी हियर इट इज अ कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड अ म्युनिसिपल काउंसिल। इन्होंने ये बताया कि हाँ हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पुणे कोई सिटी है, मान लो पुणे जो सिटी है वो बहुत बड़ी सिटी है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े सिटीज होते हैं वहाँ पे बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, बट यहाँ कह रहा है इन स्मॉलर टाउन, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम बोल के म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। यस, काउंसिल जो सभा संगठन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, काउंसिल सभा जो होता है, तो म्युनिसिपल काउंसिल। अगर बड़े टाउन की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन अगर छोटे टाउन की बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल भी कभी कभी से कहा जाता है, कभी कभी नहीं कहते हैं बेसिकली, राइट। आगे आते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज द वार्ड काउंसिलर। यस, अभी हमने पढ़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में एंड म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में, लेकिन एक और टर्म आगे जुड़ता है, दैट इज द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यस, अब बेसिकली आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यस ये वार्ड काउंसलर क्या होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। जैसे कि अभी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्क के बारे में डिस्कशन किया, अब हम वार्ड काउंसलर के बारे में जानेंगे, क्या है वार्ड काउंसलर, जरा देखते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो, डिड यू हैव मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस वेयर यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आस्क्ड रिहाना। रिहाना जो है यास्मीन खाला से पूछती है और बहुत क्यूरियसिटी भरी नजरों से पूछती है कि यस, अगर ये कौन डिसाइड करता है कि एक पार्क जो है वेयर पार्क शुड गो, जैसे कोई पार्क बनना है या कहीं ये ट्रस्टेड फंड, ये सब चीजें जो है कौन डिसाइड करता है। यस, यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक वेयर व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या आपने जब
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आप काम करती थी, तो क्या आप इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने कभी लिया है? रिहाया ने क्यूरियोसिटी भरी नजरों से यासमीन खाला से पूछती है कि कौन सा पार्क कहाँ बनना है, किस स्ट्रीट लाइट को कैसे रिपेयर करना है, इन सब सारी चीजों में, या फिर यूं कह रहे कि जितने भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते थे, क्या यासमीन खाला आपने कभी डिपार्टमेंट में रहते हुए वो डिसीजंस लिए हैं? ये रिहाना का क्वेश्चन था। तो वो कहती है, नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस इन द ऑफ द कॉर्पोरेशन। यासमीन खाला कहती, नहीं रिहाना, ये सारे जो डिसीजन है ये मैं नहीं लिया करती, क्योंकि मैं उस समय जब जो काम करती थी, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, राइट, कॉर्पोरेशन, सो आई वुड जस्ट वर्क टू पे स्लिप, और मैं सारे पे स्लिप पे काम किया करती थी। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं वर्ड यहाँ जोड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन होता है हर वो चीज़ से जो एक कह सकते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग काम होते हैं, लेकिन सबका देख रेख जो कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हेड के हाथ में होता है। तो यासमीन खाला जो थी वो बेसिकली पे स्लिप पे काम करती थी, ठीक है, वो ऑफिस में थी। यस, सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप देयर क्लीन। हाँ, जैसा कि इतना बड़ा सिटी है आप जानती हो, तो कहीं ना कहीं सिटीज़ के सारे काम जो हैं उसके देख रख रहा और डिसीजन जो हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही ले सकता है, और वही लेता है, बिकॉज उसे पता होता है कि कहाँ कौन से सिटी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ किस चीज़ को फुलफिल करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कौंसिल कॉर्पोरेशन जो है वो इस पर वर्क करती है, और सिटी की साफ सफाई, रख रखाव से लेकर सारे काम जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दे डिसाइडेड लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, एक लाइन यहाँ कह रहा है, दे द डिसीजंस लाइक कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ ये शिफ्ट होगा, इन सब चीजों को शुड गो यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिल। ये सब जो डिसीजंस होते हैं कि गार्डन कहाँ बनना है, पार्क कहाँ बनना है, हॉस्पिटल्स कहाँ बनने हैं, ये सब डिसीजन बेसिकली वार्ड काउंसिलर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ये सब डिसीजन वार्ड काउंसलर लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड एंड द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। यस, एक चीज और नया जुड़ गया, ये आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, आप लोग को बता दो, अगर वार्ड काउंसलर है तो कहीं ना कहीं सिटीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में भी डिवाइडेड होंगे, तभी तो हर एक वार्ड का काउंसलर होता होगा, ठीक है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट वार्ड दैट इज वार्ड एंड वार्ड काउंसलर गेट, उसके बाद वार्ड काउंसलर को भी इलेक्ट किया जाता है, ताकि जो वार्ड काउंसलर है वो वार्ड के थ्रू जुड़कर उसके जितने भी मेंटेनेंस है, जिसके अंदर सारी चीजें जो मैंने डिस्कस किया, उन सारी चीजों का रखरखाव करने के लिए एक वार्ड काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। यस, द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, यस, हु फॉर्म कम्युनिटी एंड डिसाइड टू डिबेट एंड इशू। यस, एक चीज और है कि ऐसा कोई डिसीजन जो कहीं ना कहीं पूरे इतने बड़े सिटी को प्रभावित करेगी, उस सारे सिटी उससे बड़े बड़े डिसीजन जो है वो कोई एक पर्सन नहीं लेता, बल्कि कह सकते हैं कि इंटायर जो ग्रुप वो है, ग्रुप ऑफ काउंसलर, काउंसलर का एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे काउंसलर बैठते हैं। यस, हु फ्रॉम कमिटी, जो कि कमिटी से होते हैं, डिसाइड एंड डिबेट इशू, वो डिसाइड करते हैं, उसमें डिबेट करते हैं कि अगर हॉस्पिटल या पार्क अगर बनने हैं तो यहाँ बनना चाहिए, और कुछ पे यहाँ अगर बने या फिर यहाँ के सिवा कहीं और बनना है तो क्यों ही बनना है, वही क्यों बनना है, यहाँ क्यों नहीं, सारी चीजों पर कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो ग्रुप के मेंबर करते हैं, जो कि बेसिकली काउंसलर होते हैं। यस, ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव अ गार्बेज क्लीन मोर रेगुलरली और देयर नाला और अ ड्रेन कट थ्रू द सिटी एंड नीड क्लीनिंग एटसेट्रा, यस, इट इज दिस कम्युनिटी फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा दैट डिसाइडेड ऑन द वर्क टू बी डन। यस, अगर मान लो कि इस तरह के जो मैंने अभी इश्यूज बताए, जैसे कि नाला या ड्रेनेज जो है वो उसमें कहीं इंप्रूवमेंट करना है, सिटी जो है उसको साफ करना, मार्केट्स के गार्बेजेज जो है उसे कहीं ना कहीं उठाना है, साफ करना है रेगुलरली, इन सारी चीज़ों का डिसीजन जो है वो सारे मेंबर लेते हैं, कहते हैं कि जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो लेते हैं। एंड यस, इट इज द कम्युनिटी फॉर कमिटी, एक कमिटी बैठती है, दैट इज वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारी चीज़ों के लिए कमिटी बैठती है।
और वो कमिटी जो है वो डिसाइड करती है कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा, दैट डिसाइडेड ऑन द वर्क टू बी डन। वो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा वर्क कैसे क्या करना है। सारे कह सकते हैं कि एक कमेटी, एक ग्रुप बनाकर सब बैठते हैं, उस पर डिबेट होता है, इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता है, देन आफ्टर दे डिसाइडेड दैट वेयर टू बी हॉस्पिटल गोइंग टू मेक गोइंग टू बी डन एंड हाउ गार्बेज इज कलेक्टिंग फ्रॉम द वर्कर्स, दे आर टोटली बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक दैट। इस तरह की चीजों पर वो लोग सारी चीजें डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। आगे कहता है when the problems are within a ward and then the people who like the ward can contact their counselor exactly, किसी भी वार्ड से अगर आप बिलोंग करते हो, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया सिटीज को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है, वार्ड का नंबर होता है, वार्ड के कुछ इंडिकेशन होते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर वार्ड से बिलोंग करते हो और आपके किसी वार्ड में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है या कुछ इश्यूज आ जाते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं आप सीधे अपने काउंसलर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग की तो इश्यूज हैं, इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन द लोकल एंड देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प टू गेट इन द टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और हाँ, अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी हैवी वायर है, वो लटक रहा हो, हैंगिंग हो रहा हो, राइट, उस कंडीशन में आप सीधे काउंसलर को पकड़ेंगे, काउंसलर से कॉन्टेक्ट करेंगे और काउंसलर से आप इस सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो काउंसलर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इस चीज को खबर स्प्रेड करने में मदद करेगा, वो इस चीज को अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करेगा और उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवाएगा, ये सारे इश्यूज को सॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं वार्ड काउंसलर जो हमारे लिए होते हैं, यस, व्हाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइडेड ऑन द इशू द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दिस एग्जैक्टली। एक और नया वर्ड यहाँ जो था, दैट इज द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यस, अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का रोल स्टार्ट हो गया। उनका रोल क्या है जरा मैं फिर से बता दूँ, कह रहा वेल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर काउंसलर डिसाइड ऑन द इशूज, जब कभी भी यस काउंसलर कमेटी या फिर काउंसलर जो होते हैं वो किसी भी इशूज पर डिसाइड करते हैं, एंड द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दिस। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो सारे इशूज पे इंप्लीमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको अपने एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ठीक करते हैं, रख रखाव करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें वार्ड कह सकते हैं कि कमिश्नर जो होते हैं वो, और कमिश्नर की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यस, उनकी बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं, प्रशासनिक चीजों से जो जुड़े होते हैं उस वार्ड से, यस, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन सब चीजों को शॉर्ट आउट करना। यस, कह रहा है द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर आर इलेक्टेड। और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट टर्म इसे भी पेंसिल से अंडरलाइन करना होगा आप लोगों को, दैट इज द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, किसको, कमिश्नर को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, राइट, और लेकिन काउंसलर जो है उन्हें इलेक्ट किया जाता है, यानी कि आप और हम मिलकर उन्हें इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उन्हें हम और आप नहीं अपॉइंट करते, उसे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हायर अथॉरिटी करती है, लेकिन जितने भी काउंसलर हैं उनको हम और आप मिलकर इलेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट भी इलेक्ट करेगी एक जेन्युइन क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद। ओके, सो हाउ दिस डिसीजन मेड, सेड रिहाना हु नेवर गोन अप टू हर ट्रेन ऑफ थॉट। यस, उसके बाद से रिहाना कहती है सो हाउ दिस डिसीजन मेड, फिर वो कहती कि इतना सब कुछ होने के बाद डिसीजन जो होते हैं, जैसे कि एक डिसीजन हो पाना ये कैसे संभव है, राइट, ये सब चीजों पर कैसे होता है। सेड रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। उसके बाद कहते हैं यस वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जैक्टली। यस, अगर रिहाना ने बोला कि कैसे ये सारी चीजें डिसीजन ली जाती है कि यहाँ जैसे मान लो स्ट्रीट लाइट के बल्ब की बात करें या फिर गार्बेजेस कलेक्शन की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, स्कूल हॉस्पिटल्स की बात करें, तो उस पर कैसे वो डिसीजन बनाते हैं कि हाँ इस पर इतने पैसे खर्च होने चाहिए, इस पर इतने स्पेंड होने चाहिए, या इस पर ज्यादा नहीं इतना कम, या इसमें इतना इसमें और ज्यादा, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के लिए कह रही है ऑल ऑफ द
वार्ड काउंसलर मीट एंड देन मेक अ बजट। जितने भी वार्ड काउंसलर होते हैं वो एक साथ एक टुगेदर बैठते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं और वो लोग बजट बनाते हैं कि कितना बजट कौन से चीजों पर स्पेंड करना है, इसके हिसाब से बजट तैयार होता है एंड द मनी इज स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस, और मनी जो है उसके अकॉर्डिंग स्पेंड होता है। आप सब देखते हो जैसे स्ट्रीट लाइट के लिए कुछ एक जेन्युइन या एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बजट डिसाइड कर दिया गया और वो अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट पे खर्च किए जाएंगे। एक दूसरा अमाउंट दूसरा बजट जो है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए, टू क्लीनिंग टू सिटीज के लिए, ड्रेनेज कलेक्शन क्लीनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग जो है वो बजट तैयार किया था और उसी बजट के अकॉर्डिंग जो है पैसे खर्च किए जाते हैं, राइट। तो इसमें आगे कहता है द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। यस, एक चीज और है यहाँ कहता है द वार्ड काउंसलर, जो वार्ड काउंसलर होते हैं ट्राई टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो पर्टिकुलर डिमांड होते हैं राइट जैसे कि ऑफ देयर वार्ड आर बी प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। किसी तरह के डिमांड जैसे कि यहाँ लाइटें लगी हैं वार्ड में, दो चार लाइट और लगनी चाहिए, इस तरह के डिमांड अगर अराइज होते हैं तो वार्ड काउंसलर सबसे पहले काउंसिल में जाते हैं, इस डिमांड को उनके सामने रखते हैं, ठीक है, और इस पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है कि क्या वाकई में उस वार्ड जो वार्ड नंबर मान लो सचिन वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 में ऑलरेडी 10 स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं, क्या 5 और उसमें लगने चाहिए, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, सारी चीजों पर काउंसिल में डिस्कशन होता है और ये काम बताने का करता है वार्ड काउंसलर। यस, वार्ड काउंसलर ट्राई टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। यस, देन आफ्टर दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और ये जो डिसीजन जो है यस बहुत इंपॉर्टेंट, दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड, ये जो डिसीजन है कि हाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि यस वाकई में वार्ड नंबर 1 में 5 लाइट जो है वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, राइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो अभी आती जाती रहती है इसको मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम होता है, लेकिन जो मैंने अभी बताया आपको लाइटें लगवाना, वाटर सप्लाई हो गया, राइट, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। यस, सेड यास्मीन खाला एंजॉयिंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, और जो यास्मीन खाला ने सारी चीजें बताया और सारे जो बच्चे थे कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे थे, वो लोग क्यूरियोसिटी थी उन लोगों की सब चीजों को जानने के लिए कि हाँ क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है और होता तो किस तरह से, सारी चीजों पर बच्चों ने पूछा, यास्मीन खाला से डिस्कशन हुआ, राइट। नो ऑर्डर्स No adult asked her about to job and the children question provided on her opportunity to relieve some had experience. Yes, और किसी ने उनके मतलब कह सकते हैं उनके बारे में, उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा। नो adult asked her about her job and the children's questioning provided her an opportunity to relive some of this experience. वो चिल्ड्रेन कह रहे हैं क्या आपको कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप फिर से अपने लाइफ को जीना पसंद करोगे जैसे कि वो आप काम कर चुके हो, क्या मौका मिलेगा तो फिर से आप अनुभव करना पसंद करोगी। बट द सिटी इज सो लार्ज इट मेक इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू टुक आफ्टर इट। यस, डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, जैसा कि फिर बच्चों ने फिर आगे क्वेश्चन किया क्या ये इतना बड़ा सिटी है, ठीक है बहुत बड़ी सिटी है, और जैसा कि हम सब जानते हैं इतने बड़े सिटी में क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इतना मेंटेनेंस करती है, इसको मेंटेन करती है, क्या इतने मेंटेन करने के लिए इतने वर्कर होते हैं काउंसिल के पास, कह सकते हैं कॉर्पोरेशन के पास इतने वर्कर्स होते हैं क्या। शंकर ने बहुत ही क्यूरियसिटी भरी नजरों से पूछा उनसे, यास्मीन खाला से, इतना बड़ा सिटी है क्या इन सिटी में इतने सारे जगहों पर मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्या उस मेंटेनेंस के लिए इतने सारे वर्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिर कहता है ही हैड बाई नाउ लकली फॉरगेटेड अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर, और उसके बाद से वो बच्चे ये सारी क्वेश्चन पूछने के बाद वो लोग अपने क्रिकेट और इनकम्प्लीट ओवर्स के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों के मन में पूछते हैं और बहुत ही क्यूरियसिटी होती है उनमें सब क्वेश्चन को लेकर, और उन्हें भी बहुत ही मजा आ रहा होता है इन सारी चीज़ों को सुनने में, किसने किसका काम कितना होता है, वार्ड काउंसलर क्या है, वार्ड कमिश्नर क्या है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ क्या है, सारी चीजों को कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन पूछते वो लोग बात करते हैं। एंड यस,
The work in the city is divided into a different department. Yes, so there is the water department, the garbage collection department, a department for the look after the garden, another to look after the road. Yes, जैसा कि यासमीन खान ने बताया, there are lots of department. They work on the basis of whatever provided this kind of thing. जैसे कि कह रहा था, work in the city is divided into different department. Department अलग-अलग department जो सिटीज के काम को बांट दिया गया. Water supply का department अलग है. Yes. कह सकते हैं कि गार्बेज कलेक्शन के डिपार्टमेंट्स अलग हैं. सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट हु लुक आफ्टर द गार्डन, एक ऐसी भी डिपार्टमेंट जो जितने भी गार्डन्स बनाए गए हैं राइट उसकी भी रख रखाव देख रेख करता है, ऐसा डिपार्टमेंट भी है. अनदर लुक आफ्टर द रोड, और एक और डिपार्टमेंट जो रोड रख रखाव करती है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, वाटर सप्लाई, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड अलॉट कर दिया गया है. It work on the account of the it work on account in the situation sanitization department, said Yasmin Khala, and yes went on to offer to children some covers to eat. Yes, उसके बाद से ये सारी चीजों को बताते हैं. वो कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हर चीजों के लिए, हर फैसिलिटीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड कर दिए गए हैं. और इसके बाद से जो खाला है बल्टी को बोलती है, आप लोग अब बैठ सकते हो ठीक है और कुछ खा सकते हो, खाने के लिए जो है आप लोगों को पूछती है यास्मीन खाला. देन आफ्टर जहांगीर एट हिज खवास एंड टॉप स्पीड, जहांगीर एट हिज खवास एंड टॉप स्पीड एंड हैज द वॉल्व एंड डाउन आफ टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द किचन. यास्मीन खाला, वेयर दिस डस गार्बेज टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट टू गो. और हाँ, जब वो जैसमिन जो शंकर होता है वो सारी चीजें खाता और कहीं ना कहीं जब उनके डस्टबिन में वो डंप करने के जाता है, उसके मन में क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग अपने आयरन किचन में जितने भी गार्बेजेस हम लोग डंप करते हैं राइट, वो एक्चुअली गार्बेजेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ डंप करती है, कहाँ लेके जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आए. कह रहा है यास्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेजेस, वेयर डज द गार्बेजेस दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट टू गो. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सारे गार्बेजेस कलेक्ट करते हैं, ये कहाँ ले जाके रखते हैं, किस जगह पे डंप करते होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस उनके मन में आए हैं राइट. तो फिर वो कहती हैं, the other were still eating when यास्मीन खाला began to answer. लेकिन बाकी बच्चे जो अभी खा रहे थे, खवास जो है वो अभी खा ही रहे थे, ताकि इतने दिन में यास्मीन खाला जो है वो आंसर करना स्टार्ट करती है. This question has interesting answer. आप लोग जानते हैं जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि सारे डस्टबिन, ये डस्टबिन के गार्बेज जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ लेकर डंप करती है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाले हूँ. As you know, you can usually find a garbage lying in over the street. जैसा कि आप सब जानते हो, अक्सर ओवर द स्ट्रीट गार्बेजेस आपको देखने को मिलते हैं. और रियल इवन द नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेजेस लाइंग ओवर ऑल, एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट डॉग, रैट्स एंड फ्लाइज, ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. और हाँ, जैसा कि आपको पहले पता था, अक्सर आप देखते थे आपके सोसाइटीज में अक्सर गार्बेजेस यहाँ वहाँ डंप कर दिए जाते थे राइट. और इतना ही नहीं, ये गार्बेजेस डंप इन द सेंस मतलब फेंक दिए जाते थे, और इस कारण से वहां पे कह सकते हैं वो जो थे वो डॉग्स को अट्रैक्ट करते थे, वो जो गार्बेजेस थे कहीं ना कहीं डॉग्स आते थे, रैट्स एंड फ्लाइज ये सब आके उसे अट्रैक्ट होते थे इन सारे गार्बेजेस से. और ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम दिस, उसकी स्मेल से कहीं ना कहीं जो पीपल पर्सन थे वो बीमार हो जाया करते. यस, पहले जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह से वर्किंग में नहीं थी, उसके पहले ऐसा हुआ करता था कि जो गार्बेजेज है वो यहाँ वहाँ फेंक दिया था, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती थी, जंगली जानवर उस पर अट्रैक्ट होते थे. At one point, this becomes so bad that children even stop playing cricket in the street because their parents were afraid of they will get too sick from the staying and street too long. और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए पहले क्या होता था, बहुत ही कह रहा है, एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड, एक समय तो ऐसा था कि जो चीजें थी बहुत ही वॉश्ड हो चुकी थी, बहुत ही बैड कंडीशन हो गया था. कंडीशन क्या था, दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, और बच्चों ने तो स्ट्रीट में क्रिकेट खेलना तक छोड़ दिया था इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ वहाँ गार्बेजेस फेंके रहते थे, अक्सर जो है डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज ये सब अट्रैक्ट होते थे, यहाँ तक उसके स्मेल से लोग बीमार जाया करते थे. वैसे कंडीशन बच्चे जो स्ट्रीट में क्रिकेट खेलना छोड़ चुके थे बिकॉज़ देयर पेरेंट्स वेयर अफेयर्ड दैट दे हैव टू गेट सिक. और इतना ही नहीं,
बच्चों के पेरेंट्स जो है बहुत ही डर जाया करते थे, कहीं ना कहीं अगर मान लो हमारे बच्चे बीमार पड़ गए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्गर, कहीं ना कहीं स्ट्रीट जो है वो इतने लंबे स्ट्रीट में अगर वो रहेंगे खेलेंगे आसपास गार्बेज का माहौल होगा तो बच्चे हमारे नो डाउट बहुत ही बीमार पड़ने वाले हैं। इन सब चीज़ों को लेकर पेरेंट्स के मन में हमेशा कहीं ना कहीं ये सवाल जो रहते थे। आगे जो हमारा पॉइंट है तो ये उन्होंने बताया, ठीक है यहाँ तक बुक में दिया, फिर उन्होंने बताया कि फिर धीरे धीरे जैसे मान लो इस पर डिस्कशन हुआ हो गया, हो सकता है कि पहले ये कंडीशन था, लेकिन मैं अलग से बताऊँ जब से ये वार्ड काउंसलर या फिर कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जब से ये सब आ गई, वार्ड काउंसिल आ गई, इन सब चीज़ों के आने के बाद से हमारे सिटीज़ का कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होने लग गया कह सकते हैं, ठीक है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आगे हम देखते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट। हाँ कम्युनिटी प्रोटेस्ट जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अलग है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि कम्युनिटी प्रोटेस्ट जो है इसके बारे में जानना पड़ेगा कैसे कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और किन किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट देखने को मिले हैं, राइट। तो आज हमने बेसिकली एक छोटा सा डिस्कशन किया दैट इज द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। हमने इसमें जाना था वार्ड काउंसिलर ये क्या होते हैं, राइट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये क्या होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, और वार्ड का कमीशन जो है कमीशन का क्या रोल है इसके ऊपर में हमने पढ़ा। अगर किसी तरह का सिटी से कह सकते हैं कि किसी भी सिटी में चाहे वो वाटर सप्लाई हो, स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग हो, रोडवेज का रिपेयरिंग हो, मेंटेनेंस हो, इन सारी चीज़ों का जो रख रखाव जो है वो कौन करता है, दैट इज वार्ड काउंसलर कह सकते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम दे सकते हैं, राइट। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसलर जो होते हैं इन लोगों का एक पर्टिकुलर लाइबिलिटीज होते हैं कि स्ट्रीट को रख रखाव करें, साफ सफाई, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, वाटर सप्लाई हो, गार्बेजेस कलेक्शन हो, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड डिस्पेंसरी, ये सारी चीजें इनके अंदर में आती है और उनका ही काम होता है रख रखाव। तो हम लोगों ने बेसिकली जाना वार्ड काउंसलर, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल, बेसिकली हमने आज जाना और इसके वर्क एंड एरियाज के बारे में, इनके वर्क क्या होते हैं, किस हद तक कहाँ तक इनके एरियाज होते हैं, कैसे सिटीज अलग अलग वार्ड में डिवाइड हो जाते हैं, राइट, और हम लोग वार्ड काउंसलर होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो कमिश्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ये अपॉइंट होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यस दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके।